तो गाइस आप सोच रहे होंगे इतने दिनों बाद क्यों आई, तो गाइस थोड़ा घर का काम वगैरह हो रहा था तो मैं इसलिए बहुत देर से आई हूँ। सो आप और चार क्यों बैठी हूँ, तो मेरी हालांकि फुफ्फो आ रही हैं तो मैं बैठी हूँ, मैंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, सो दैट्स व्हाई मैं अभी चिप्स बना रही हूँ। और मेरी मम्मा गई हैं बाथ लेने, तो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे बेइज्जती कम पड़े, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है ना। तो फिर अभी तो मैंने आधा तो डन कर दिया है, और साथ में मैं ये चटपटा नूडल्स बना रही हूँ। लोगों ने काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है कि नूडल्स के अंदर से सूटियाँ वगैरह चींटी वगैरह निकलती हैं, मैं बहुत बार चेक कर चुकी हूँ, मैंने बिना पानी के भी बनाती हूँ मैं, तब तक तो कोई मुझे नहीं निकली भी दिखी। और अभी देखते हैं कि मेरी ईद 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 की ईद क्या है यार, 14 अगस्त में मैंने ली थी अभी, सो शी इज़ कम चाहिए मारेगी। सो अभी हम चिप्स बनाएंगे और फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है, और अभी स्टार्ट करते हैं हम चिप्स बनाना। अभी पूरा तो नहीं डन हुआ मेरा, लेकिन अभी करेंगे तो फिर आगे आगे देखते हैं। अभी बस इतने से बना मैंने का ब्लॉग बनाती ताकि सब बच जाऊँ मैं, और फिर अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको जल्दी जल्दी से करके दिखाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी काम करते हैं, टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है मेरा। बच गई मम्मा, मर जाती हूँ सीधा। तो ये बहुत पहले हम लोग ये कटर लाए थे, पता नहीं अब याद भी नहीं है मुझे कहाँ से लाए थे, तो फिर मैंने कहा कि अय्या वहाँ से हम लाए थे, कहीं से ही लाए थे, तो फिर हमने कहा कि कहीं से ले लेते हैं, चिप्स बनाएंगे कभी। और फिर जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट करती हूँ, मुझे लगा कैमरा बंद हो गया। वैसे आपने कभी घर में चिप्स बनाए विदाउट योर मदर? मैं थोड़ी बनाई क्योंकि मुझे तेल से बहुत डर लगता है। एक बार मैं बना के चिप्स लगा रही थी ना, मम्मा ने कहा ना हाथ मारो जल जाओगी, तो मैंने ना उबला हुआ पानी से जैसे हम बॉइल ही करते हैं भुस्से करने के लिए सर्दियों में, यार मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैंने ना उसके अंदर ना तब मैं 4-3 साल की थी तब ना उसके अंदर मैंने अंगूठा डाल दिया था पूरा, ऐसे फट गई सारी स्किन यूँ समझो बुलबुले बन गए थे मेरे पूरे हाथों में। और तब आप समझ ही गए होंगे गाइस मैं कितना रोई होंगी, इमेजिन जस्ट इमेजिन यू। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यार, टाइम लेट हूँ मैं बहुत, और आप सब थोड़ी देर में बाद में। लेट सेट और कैमरा एक्शन, जल्दी जल्दी कटने स्टार्ट करते हैं। वेट गाइस, और आपको बताती एक बार ना मेरे ना ऊपर ना तेल भी गिर गया था गरम उबला हुआ, अंगूठे पे भी गिरा था एक बार, और एक बार मैं ना मतलब ऐसे चिप्स डाल रही समझो ऐसे फेंक के, तो उसकी जो नहीं होती थोड़ी थोड़ी वो आती है छींटें वो मेरे ऊपर गिर गई, पता नहीं मम्मा लोग कैसे लगा लेंगे होते होंगे। वेट में मुझे थोड़ा सा काम हो गया तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी आपको जो आवाज़ नहीं आती ऊंची सी, वो घर का कुछ काम था, तो वो अब मैंने कहा कि उनसे कहो कि थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, मैं व्लॉग बना रही हूँ, और आप जल्दी जल्दी सपोर्ट करें ताकि मैं 6 मिलियन इस टाइप से आगे आगे जल्दी बढ़ती जाऊँ। व्लॉग में थोड़े थोड़े लेट आते रहेंगे, तो ठीक है अब मैं शुरू करती हूँ व्लॉग्स बनाना। देखो एक दिन बाद है कि सब, तो एक व्लॉग आया ना अभी, अब फिर एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन व्लॉग एक और आएगा वगैरह, और आपको जल्दी जल्दी वो व्लॉग्स भी देख रहे हैं साथ साथ जल्दी जल्दी बनाते हैं चिप्स, और फिर हम लूडो भी खेलेंगे। ये मेरे बैग की डाइट और की लिए थोड़ा चैलेंज सी बिल्कुल आराम बंद कर देती हूँ, और ये बाकी ऊपर भी लगी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत मुश्किल काम होता है यार,
मैं काम करते बैक ऑन ऑन कर देती थोड़ा सा शॉक मारते। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब प्रोसेस हो रहे हैं अभी स्ट्रगल्स। अगर ये वाला व्लॉग उमेर भी देख रहे तो सल्यूट, आप इतने बर्गर खाते हैं, हमसे एक बर्गर भी खाया जाता मुझसे तो आपको तो सल्यूट होगा। ये लोग कट भी नहीं रहे, आपको नहीं पता ये प्रोसेस इतना मुश्किल होता है। आय हाय, मुझे चिप्स इतने पसंद नहीं है बाहर के, जो ये बाहर रोड के, मुझे ना वो नींबू पानी मतलब होता है वो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन ये बाहर के चिप्स मज़ा नहीं आया। उनके बैठने, मेरा बैठने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, उनकी नहीं मेरे बैठने का स्टाइल। क्या अभी तो बस यही बने, बहुत थोड़े साल हूँ, बहुत थोड़े से टू, मुझे इसको देखे कुछ याद आया। आह टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार गिराया। ये गाना बहुत फेमस है यार इंस्टाग्राम, आप जाए इंस्टाग्राम में बस यही आएगा, आह टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार। लोग पता नहीं पिज़्ज़ा खा रहे होंगे बोलेंगे आह टमाटर बड़े मज़ेदार, फिर कोई पेप्सी पी रहा होगा बोलेगा आह टमाटर बड़े मज़ेदार, कोई चावल बिरयानी खा रहा होगा फिर भी बोल रहे होंगे आह टमाटर बड़े मज़ेदार, कोई लोग चिप्स खा रहे होंगे, कोई लोग आलू खा रहे होंगे बोलेंगे आह टमाटर बड़े मज़ेदार। वैसे काम भाई बहुत मुश्किल है, पसीना आ गया। ये मैंने बर्फ़ की बोतल इसलिए भर के रखी ताकि मैं जब भी कोई काम करूँ मुझे इमरजेंसी प्यास लग जाए तो मैं ये रखूँ। लव इट। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, अय्या वैसे आपको सर्दी पसंद है या गर्मी? मुझे तो भाई सर्दी पसंद है, बेशक कुछ भी नहीं यार, मैं ठंडे पानी पर नहीं सकती हूँ, गर्म पानी से नहीं ठंडे पानी से नहा सकती हूँ, गर्म मुझे बहुत गंदा लगता है। वैसे आपको गर्म पानी से नहाना पसंद है या ठंडा? आई नो मुझको गर्म, ज़्यादा गर्म पसंद है। ये जब मैं बहुत ठंडे लग रहे हैं तो मैं भी और लेके आती हूँ आलू। और आप लोगों को भी बताओ कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को आलू सस्ते पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत महंगे पड़ते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता 1 किलो कितने आते हैं, ये वो मुझे नहीं पता। 1 किलो के 5 आलू आते हैं शायद, आई डोंट नो यार। अब जल्दी जल्दी आलू को काटना स्टार्ट करते हैं। चाय आई गरम मम्मा, भूल गई थी व्लॉग बना रही हूँ। मम्मा चाय गरम है, आके ले जाएं। रेडी हो गए? माय बैड, थोड़े से चिप भैया व्लॉग बना रही बीच में। सो मेरी मम्मा को कुछ काम है फोन से, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ, तब तक मैं और आलू काटती हूँ। बाय बाय, वेट 2 मिनट्स, बाय। सो गाइस मैं थोड़ी देर बोर हो रही थी तो मैंने क्या किया कि किचन को साफ किया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सोचूँ कि मैं नूडल्स ही बना के रख लेती हूँ और बाकी हम, और इसमें एक गलती है, इंडिया में मैंने अपनी में मेरी पापा है ना वो लाइव आती है, तो वहाँ पर ना एक इंडियन थे कोई, तो मैंने उनसे पूछा ना कि मैगी कितने की मिलती है इंडिया में, उन्होंने बोला कि 10 रुपीज़ की, और ये आप देख सकते हैं उतना ही साइज़ है, ये 50 रुपीज़, ये 50 के हैं, और यार ना इंसाफ़ी है
बस यही है सीन। आप मम्मा से कहते हैं वो ऑन करके दे, मम्मा बना के दें। तो गाइस मैंने इतनी देर से चिप्स बनाना सोच रही थी बनाऊंगी ना बनाऊं, तो मैंने कहा कि चिप्स नहीं बनाते क्योंकि बहुत कुछ अभी खाना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। कज़न ऊपर गए थे कज़न कुछ, और मैंने कहा कि उमा से मैं राइस ले आऊँ, मैक्रोनी ले आऊँ, उन्होंने कस्टर्ड भी बनाया था साथ, आई थिंक सो स्वीट भी बनाई थी, मतलब खीर बनाई थी साथ, चिकन्स बनाए थे और बहुत कुछ। तो ये नूडल है मैंने बिल्कुल ना छोटे छोटे कर दिए, मैंने कहा छोटे छोटे डाल देती हूँ, कोई नहीं होता कुछ नहीं होता। और आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, हेल्दी से होंगे। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके चैनल सारा ब्लॉग का। ठीक है बाय, मिलते हैं आपसे कल। और ज़रूरी ये मेरा किचन सेटअप है, और अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि आप खीर बनाएं कुछ में, तो वो फिर बनाना शुरू करूँगी अपनी रेसिपीज। बाय, टेक केयर।